उन्नाव जिले के विकासखंड नवाबगंज में ग्राम पंचायत सराय इंदल की गौशाला निर्माण में ग्राम पंचायत सचिव, पूर्व प्रधान व रोजगार सेवक द्वारा मानक विहीन ढंग से निर्माण कराया जा रहा था, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष देखने को मिला। लोगों ने इन अधिकारियों पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर बंदरबांट करने का आरोप लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। गौशाला के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी, सरकारी धन की किस तरीके से लूट मार हो रही है, आप देख सकते हैं। ये गौशाला है, गौशाला में ना कोई गाय, ना कोई पानी की व्यवस्था और ना ही कोई अधिकारी का 1% दिलचस्पी, केवल सिर्फ मात्र पैसा कमाने का एक संसाधन बनाया गया है। गौशाला का चारा गाय टूटा हुआ है। उन्नाव जनपद में किस ग्राम सभा का ये मामला है? ग्राम पंचायत सराय इंदल का मामला है ये। और ऐसे ही उन्नाव जनपद में कम से कम 75% गौशालाओं की स्थिति यही है, जहाँ चारा के नाम पर सिर्फ लूट घसोट हो रही है। निगेटिव पठान मिलकर किस तरीके की लूट कर रहे हैं, जो शासन प्रशासन को नहीं पता है। पूर्व प्रधान ने बनवाया था, पूर्व प्रधान ने इसको बनवाया, आने जो अभी प्रेजेंट में प्रधान जी हुए हैं उनकी कार्यशैली में स्थिति आप गौशाला की देख सकते हैं। दादाजी आपका कौन सा ग्राम सभा है ये? सरेंद्र। ये गौशाला में आप खड़े हुए हैं? जी हाँ। इस गौशाला का कौन प्रधान है यहाँ पर मौजूदा और कौन सेक्रेटरी है, क्या इसके बारे में आप बता सकते हैं? सेक्रेटरी का नाम नहीं बता सकते हैं। प्रधान कौन सा है? का नाम है श्री श्री हरिभूषण जी। क्या? हरिभूषण जी। हाँ और बोलते जाए। और तो उन्होंने इस गौशाला के लिए क्या किया, और यहाँ के जितने गाय जानवर जो भी हैं खेतों में आप लोगों के जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या समस्याएं हैं? हमारी तो बहुत बड़ी समस्या है, शासन उसके लिए देखे, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी देखा जाएगा। अच्छा क्या हो रहा है? अच्छा व्यवस्थाएं आपकी। क्या व्यवस्थाएं अच्छी? शासन की व्यवस्थाएं, गौशाला बना फिर गिरा फिर उजड़ा, तो ये व्यवस्थाएं जो हो रही देख रहे हैं। कब से जानवर यहाँ बंद नहीं बंद किए गए? 2015 में वो हुए आपके श्रीधर जी प्रधान जी, उन्होंने गौशाले का निर्माण कराया, उसके बाद ये ध्वस्त हो गया, गिर गया, आज भी गिरा पड़ा है, इसको कोई देखने वाला रहे? आज के ग्राम प्रधान जी क्या यहाँ पे देखने नहीं आते कभी? नहीं वो देख, ग्राम प्रधान जी, ग्राम प्रधान जी तो अभी बने हैं 2022 में सर, उसके पहले जिसने निर्माण किया ग्राम पंचायतकारी और पंचायत मित्र, पंचायत मित्र तो जो किया वो भी अच्छे किया, उसके विषय में क्या कह सकते हैं, गाँव की स्थिति। क्या आप लोग शासन दत्ता को डरते हैं बात करने में? शासन दत्ता को नहीं डरते हैं, गांव के बच्चों को डरते हैं। थैंक यू। गांव के बच्चों को डरते हैं। हाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से गांव के, गांव की स्थिति है, अगर किसान और सिक्योरिटी को डर की वजह से अपनी बात को कहने से डरते हैं। डरते दबाओ बस।